हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की स्टूडियो में, जहाँ पर कि हम अपने स्टूडेंट मिस्टर शाहिद के साथ में हैं। शाहिद जो है बिहार से हमारे पास दिल्ली जो है ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो है, जो कि लैंड सर्वे और टोटल स्टेशन को सीखने के लिए आए थे, और 15th क्लास इनकी हो चुकी है, और जो है इनका कोर्स जो है अब तक हमारा कम्प्लीट हो चुका है। आज 15वें दिन जो है इन्होंने टोटल जो डे वन से लेके अब तक जो हमारा टोटल स्टेशन इन्होंने सीखा था सारा वो रिवाइज किया है। साथ में इन्होंने ऑटो लेवल को सीखा, और आज जो है इन्होंने पूरा का पूरा डे वन से लेके जो है आज तक का जो है पूरा रिवाइज किया, और खुद से जो है साइट पे कॉलम मार्किंग, लेआउट और भी जो भी मेथड थे वो सारे के सारे प्रैक्टिस किए। तो पूछते हैं साइट से कि साइट जो है 15 दिन के बाद अपने को कैसे फील कर रहे हैं, क्या इनका जो है ट्रेनिंग के अंदर जो है इनका जर्नी रहा, कैसे इन्होंने जो है डे वन में क्या इनकी परफॉर्मेंस थी, और लास्ट डे के दिन जो है आज कैसी इनकी परफॉर्मेंस। सेकंड लास्ट डे है, कल इनको हम फील्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें आए थे तो उस टाइम आई हैव नो नॉलेज अबाउट सर्वेइंग, बट नाउ इन दिस टाइम आई हैव फुली कॉन्फिडेंट फॉर अबाउट द सर्वेइंग फील्ड, एंड आई कैन डू इजली वर्क्स इन सर्वेइंग डिपार्टमेंट्स लाइक दैट फॉर ए चेक लेवल एंड ऑटो लेवल एंड टोटल स्टेशन ऑपरेटर एज अ यस, है ना। यस सर, तो क्या क्या कैसा रहा, मतलब जो आप डे वन पे और आज में अगर आप अपने आप को कंपेयर करो तो कितना डिफरेंस पाते हो सर? बहुत ज्यादा, मतलब 100 में से अगर हम आपको कहें तो कितने मार्क्स दोगे आज सर? 90% तक। 90%, मतलब पहले दिन आपने ऑटो लेवल को लेवल करने में कितना लिया था सर? 4 मिनट के करीब लिए थे, और आज टोटल स्टेशन कितनी देर में कर पाते हो? अभी टोटल स्टेशन सर मतलब मशीन तो ओपन करने से लेकर डिजिटली सेटिंग करने तक, सेंटरिंग मतलब सेंटरिंग लेवलिंग करने तक 1 मिनट मैक्सिमम। यस, 45 to 1 मिनट, जो 45 सेकंड to 1 मिनट। और जो है ये चीज कहेंगे कि जैसे जो मेथड आपने सीखे वो बोर्ड के हिसाब से है, बिल्डिंग के हिसाब से है। यस सर, प्लॉट का अगर लेआउट करना हो उसके हिसाब से है, ब्रिकवर्क लेआउट कर सकते हो, कॉलम मार्किंग कर सकते हो, प्लॉट के चार कोने अगर आपको सर्वे करने के लिए जाए वो कर सकते हो, कोई भी बिल्डिंग अगर बनना है तो उसका टोटल काम कर सकते हो। यस सर, इतना तो आइडिया हो गया ना बीइंग अ सिविल इंजीनियर, इतना तो आपको समझ में आ गया हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में जाके। यस, है ना। यस सर, तो जो है इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया सर? All credits are going to lots of practice. ठीक है, practice को क्यों, इतने घंटे आपने daily जो है धूप में practice किया, और एक एक घंटा नहीं, 3-3 घंटे 3.5 घंटे आप daily practice करते थे, और हर जो method है उस method को आके उसको revise करना और फिर आगे के topic को हम लोग continue करना। Yes, ठीक है, वो सारी चीज़ें ही इसमें कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाई है। तो गाइज ये 15 दिन जो है मैक्सिमम ना इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, 14 डे 15 डे कल होगा हमारा लास्ट डे होगा, और इन्होंने ऑटो लेवल टोटल स्टेशन में क्वांटिटी सर्वेइंग को भी सीखा है, बहुत सारी फील्ड की ऑनलाइन ये क्लासेस हमारी ज्वाइन करते हैं वहाँ पर सीखते हैं। तो यही कहेंगे अगर आपके माइंड में भी जरा सा भी डाउट है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आप भी इन्हीं की कैटेगरी में है, ये भी कुछ दिन पहले तक आपकी तरह ही सोच रखते थे। यस सर, डाउट तो मुझसे ही रहता था कि इतने कम टाइम्स में कैसे ऑपरेट करना सीखेंगे, बट वो चीज़ यहाँ आए तो हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, होते गया। ठीक है, और ये माइंड हर किसी, ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में रहता ही है कि यार मैं कह तो रहे हैं क्या कर पाऊंगा, ये पहले स्टूडेंट नहीं है ये, तो इन्होंने तब भी हमने इनको 15 दिन दिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 7 दिन 8 दिन 10 दिन में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके अपनी जॉब पे जाके जो है वह अपनी जॉब को कंटिन्यू किया, और जहाँ पर वो पहले साइट इंजीनियर का काम करते थे वहीं पे उनको जब टोटल स्टेशन ऑटो लेवल आना चलाना आ गया तो उनकी सैलरी में भी एक अच्छा खासा जंप आपको देखने के लिए मिला, 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का जंप जो है इंजीनियर की सैलरी में आराम से पहले महीने से ही आप उठा सकते हो। जब आप इस जॉब पोर्टफोलियो पे CV पे ये लिखते हो ना कि मुझे टोटल स्टेशन चलाना आता है, मुझे ऑटो लेवल आता है, प्लस में इतनी सारी स्किल्स मेरे पास हैं, मैं बिल्डिंग के हिसाब से कर सकता हूँ सर्वे वर्क, मैं लैंड जो बिल्डिंग के रोड के हिसाब से या किसी भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से सर्वे सीखता हूँ, या जितने भी मेथड इन्होंने सीखे हैं वो जब आप CV पे लिखते हो ना, तो गाइज अगला जो इंटरव्यूअर है वो आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, वो डेफिनेटली जो है आपको सेलेक्ट करता है। तो आज जो है इनकी सेकंड लास्ट क्लास, फिर कल एक क्लास रखेंगे जहाँ पर हम फील्ड में लगे हैं और पूरे का पूरे मेथड को रिवाइज करके दिखाएंगे। तो गाइज यही कहेंगे आपसे, ठीक है, तो
गाइस यही कहेंगे, अगर आप भी बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर या QA QC इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, और सीखना चाहते हैं इन कोर्सेज को प्रैक्टिकली, तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर की दिल्ली ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम कोर्स फीस में, बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली सीख सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर से। और एक बात और दोस्तों, आपको यहाँ पर ढेर सारे डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। आप अगर आप नवरात्रि डिस्काउंट को अवेल करते हैं या सीखते हैं, 10 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं, हमारी मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको मात्र 4,500 रुपये में ऑटो लेवल और टोटल सेशन सीखने के लिए मिलने वाला है दिल्ली में। तो ज़्यादा सोचिए मत, अपने कोर्स की शुरुआत कीजिए और एक स्किलफुल सिविल इंजीनियर बनिए, एक स्किलफुल टोटल सेशन ऑपरेटर या लैंड सर्वे बनिए। इसके लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आने वाले बैचेस में हमें ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की तरफ से जय हिंद, जय भारत।